तो यादव जी, आपने ये सभी जानकारी दे दी है। इसके बाद हम आते हैं मेडिकल के मेन मुद्दे पर, जिसमें बहुत से ज्यादा विद्यार्थियों को छांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, वो है आई चेकअप। तो आई चेकअप में किस तरह के चेकअप होते हैं? हम लोग अब बात करेंगे आई टेस्ट के बारे में। आई टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है मेडिकल कैटेगरी का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है इसमें कि आई टेस्ट से ही विद्यार्थियों का मेडिकल के कैटेगरी का डिवीजन होता है। मोस्टली आपका आई टेस्ट जो होगा वो ये बताएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे आई टेस्ट में दो तीन चीज मेनली आपको, तीन चीज तो चेक होगा ही होगा। एक जो डिस्टेंस विजन होता है, जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आपको चेक किया जाएगा, आपको एक चश्मा लगा दिया जाएगा, और एक चश्मा का एक जो एक ग्लास उसमें रहेगा, दूसरे को ढक दिया जाता है। 6 मीटर की दूरी पर एक प्लेट रहेगा और उसमें अलग अलग साइज के अक्षर लिखे होंगे, और उस साइज को आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आप 6x12 है, 6x9 है, या 6x6 है, या फिर अलग अलग कैटेगरी के होंगे। तो जिस तरह से दूर दृष्टि दोष चेक होगा, उसी तरह से निकट दृष्टि दोष भी सेम आपके नजदीक में रख दिया जाएगा, और वहां भी आपको एक आंख से, फर्स्ट टाइम आपको एक आंख से देखना है, फिर दूसरे आंख से देखना है, और वो चीज आपको ये पढ़ना है। उसमें जो लेटर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट साइज का, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अक्षर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा। तो ये डिस्टेंस विजन चेक है, चेकअप है, जिससे कि आपका कैटेगरी। दूसरा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। उसमें दो प्रकार का टेस्ट होता है। एक उसमें कॉपी रहता है, और कॉपी के माध्यम से उसमें बहुत सारे अल्फाबेटिकल नंबर लिखे होते हैं, या डिजिट लिखा हुआ रहता है, जो आपको देख के बताना है। एक कलर के अंदर वो लिखा हुआ रहता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ अक्षर या कोई भी जो भी अल्फाबेट उसमें लिखा गया है आपको दिखेगा, और आप आसानी को लोग बता पाएंगे। दूसरा क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस में कि स्पॉटिंग चेक, एक अंधेरा रूम मिलेगा आपको, उसमें एक दो डॉक्टर्स होंगे, और एक एक अलग अलग, जैसे रेड हो गया और ग्रीन हो गया, ये जो कलर है एक स्पॉटिंग के रूप में आपको दिखाए जाएंगे। एक आंख पे ग्लास रहेगा, दूसरे को कवर किया जाएगा, फिर दूसरे पे कवर किया जाएगा, दूसरे में ग्लास रहेगा, आपको उस कलर को पहचानना है। और तीसरा जो टेस्ट होता है, इसमें लेंस टेस्ट होता है। लेंस टेस्ट में क्या है, लेंस टेस्ट में कि एक मशीन के माध्यम से आपके आंख को चेक किया जाएगा। उससे पहले आपको आंख को रब करने के लिए, इस तरह से रब करने के लिए बोला जाएगा। और रब करने से क्या होता है ना, कि अगर आप में आंख में अगर आपने लेंस वगैरह अगर लगा रखा है, तो वो चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। और लेंस के माध्यम से भी आपको, लेंस एक लेंस होगा, उसके अंदर आपको देखने के लिए बोला जाएगा। आंख के ऊपर आपको वो मशीन लगा दी जाएगी, और वो आप अगर आप आंख में लेंस है, या फिर कुछ और आपने त्रुटि है आंख में जो आपने करवा के उसका सर्जरी वगैरह कराया है, तो वो चीज आपको आसानी से पता चल जाएगा, उसमें आप बच नहीं सकते। तो ये तीन टेस्ट जो है, डिस्टेंस विजन, कलर विजन और लेंस, ये तीनों टेस्ट जो आई टेस्ट है, इसलिए आई टेस्ट को महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरा मेडिकल टेस्ट बैंगलोर में हुआ था, मैंने बताया आपको आई टेस्ट। हमारे मित्र हैं जो बताएंगे कि इनका मैसूर में मेडिकल हुआ, और ये क्या अंतर आया दोनों में, ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस चीज को। जी बताइए मिशन जी। जी, मेरा मैसूर में मेडिकल टेस्ट हुआ था। उसमें अगर आई टेस्ट की बात करें तो वो अल्फाबेट सी अक्षर का खुला हुआ भाग बताना है, वो स्पष्ट करना है कि उसका खुला हुआ भाग किस दिशा की ओर है। वो कभी पूर्व की ओर घुमा दिया जाएगा, कभी पश्चिम की ओर घुमा दिया जाएगा, कभी उत्तर, कभी दक्षिण की ओर। तो वो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि सी का खुला हुआ भाग किस तरफ है। ऐसे ज्यादातर अभी मेडिकल में सी ही ज्यादातर चुना जाता है कि आपको सी का छोटा भाग, वो खुला हुआ भाग किस दिशा की ओर है, वो आपको सुनिश्चित करना होता है। आई टेस्ट होने के बाद उसी रूम में ईयर टेस्ट होता है, आपका कान का टेस्ट होता है। उसमें मोस्टली ज्यादातर कुछ नहीं, सरल से सवाल पूछे जाते हैं, आपके नाम पूछे जाते हैं। वो ईयर टेस्ट इसलिए होता है कि आप उनकी बातों को ठीक तरीके से सुन रहे हैं या नहीं। 6 मीटर की दूरी से मध्यम आवाज में पूछा जाता है आपका नाम, और सर बस सरल से सवाल पूछे जाते हैं जिसका आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और ये इसलिए पूछा जाता है कि आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं कि नहीं।
फिर अगर आप उसकी प्रश्नों का सवाल सही रूप से दे रहे हैं तो आपको फिट कर